हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिस गेम को उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 2001 में, मारियो मारियस वर्सेस कार्लोस पेरेरा दोस संतोस। नहीं, पोर्चुगीज में खिलाड़ी होंगे क्योंकि पुर्तगाल में ये गेम खेली गई और नाम भी पोर्चुगीज ही लग रहा है। मारियो ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया और कार्लोस, नाम भी कार्लोस है, ने E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, देन नाइट F6, टू नाइट वेरिएशन फ्रॉम इटालियन गेम। तो नाइट C3 के ऑप्शन को यहाँ व्हाइट ने चुना। नाइट टेक C4, नाइट टेक C4, D5 फॉक लगाई है, सिंपल मूव है। बिशप B5 के ऑप्शन को यहाँ पहले चुना गया। वैसे यहाँ से बिशप दो जगह पर जा सकता था, मेटल एक्शन को ब्लैक ऑब्वियस इक्वल करेगा ही करेगा, नाइट डिलेड एक्शन कहेंगे हमसे। तो बिशप यहाँ D3 स्क्वायर पर भी आ सकता, ताकि अगर फर्दर में बैटल एक्शन होगा तो वाइट के बिशप को एक अच्छी आउटपोस्ट मिल सकती है। पर गेम में यहाँ खेला गया डी टेक सी फोर, नाइट पर अटैक बना, लेकिन चूंकि अब यहाँ ये नाइट पिन है ब्लैक का, तो नाइट टेक सी फाइव आराम से किया जा सकता है और प्रेशर एग्जैक्टली बना है। लेकिन अब कार्लोस के पास यहाँ क्वीन को D5 स्क्वायर पर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर बिशप और नाइट दोनों पर एक साथ अटैक है, ऑब्वियस है। बिशप टेक C6 चेक ही पहले करना पड़ेगा। बी टेक C6 होने के बाद अब वैसे तो नाइट को हटाना चाहिए, लेकिन D4 ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर ब्लैक यहाँ एनपेसेंट के लिए जाता है तो नाइट वापस आ जाएगा यहाँ D3 स्क्वायर पर, ठीक है। बिशप A6, अब यहाँ पर आप कैसल कम से कम नहीं कर पाओगे, व्हाइट के साथ इश्यू आ चुका है। C3 पहले खेला गया, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट को परेशान करने की तैयारी। लेकिन पहले यहाँ क्वीन B3 और क्वीन के B3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन एक्सचेंज की कोशिश ऑफर दिया है, लेकिन ब्लैक ने गेम को सिंपल रखा। मेटल एक्सचेंज न करके उन्होंने पहले कैसल किया, किंग सेफ्टी फर्स्ट, क्वीन टेक्स D5, सी टेक्स D5, देन नाइट C6 स्क्वायर पर। और यहाँ से मेरे ख्याल से व्हाइट के नाइट के जाने के लिए कुछ स्क्वायर अवेलेबल हैं। F5 की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, देन हुआ G3, रुक आया F6 स्क्वायर पर, देन नाइट वापस E5 स्क्वायर पर। और क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ E5 में पहुंचाया जा सकता है पॉन को? लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप के साथ एक E5 स्क्वायर पर बहुत स्ट्रांग पॉन होगा, अगर मेटल एक्शन होता है यहाँ पर। तो रुक आया E6 स्क्वायर पर और रुक के E6 स्क्वायर पर आने के बाद अब यहाँ E5 स्क्वायर पर खतरा तो बिल्कुल है। बिशप F4, प्रॉब्लम इज सॉल्व। बिशप B5, देन A4, बिशप पर अटैक, भाग गया वापस E8 स्क्वायर पर, देन हुआ B4। फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर के लिए गेम में जो भी प्लानिंग बनेगी वो यहाँ E5 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को लेकर के बनेगी। G6 ब्लैक ने चला, किंग आया D2 स्क्वायर पर, बिल्कुल दिक्कत है, वो व्हाइट को जरूरत भी नहीं है कैसल करने की, ठीक है। क्वीन एक्सचेंज हो चुकी है बोर्ड से और एंड गेम की हम स्टार्टिंग तो इसे बोल ही सकते हैं कम से कम। किंग G7 यहाँ ब्लैक ने चला, देन रुक E1, बिशप आया F7 स्क्वायर पर, देन H4, रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन बिशप E3। और फ्रेंड्स, फाइनली चलिए, बिशप E3 स्क्वायर पर जैसे ही व्हाइट ने लिया तो E5 स्क्वायर पर क्या ब्लैक एडवांटेज में है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिशप कहाँ जाएगा किंग को पिन करने के लिए, ओ सॉरी, किंग पर अटैक बनाने के लिए, वो आपको नजर आ गया होगा। बिशप टेक C5 का मतलब डी टेक C5 और उसके बाद अगर रुक टेक C5 किया गया तो बिशप D4 और यहाँ प्रॉब्लम होगी ब्लैक को। एग्जैक्टली, खैर, बिशप E8 के ऑप्शन को पहले आओ ब्लैक ने चुना। कार्लोस भी बड़ा संभल कर खेल रहे हैं यहाँ पर। खैर, किंग आया C2 स्क्वायर पर, H6, तो व्हाइट ने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर। बिशप E7, किंग सॉरी बिशप C1, मुझे लगा किंग मूव होगा, और उसके बाद देखते हैं बिशप किस तरह से मूव होता है। G5 फाइनली खेला गया, H टेक Z5, H टेक Z5। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी चार पॉन थे लेकिन अब तीन पॉन हो चुके हैं, वैसे तो जो चार पॉन ही कनेक्टेड माने जाएंगे, लेकिन फिर भी चार पॉन्स के सामने दो पॉन्स, ये एक है एंड गेम के लिए, अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। B5 यहाँ पहले व्हाइट ने चला, देन रुक आया H6 स्क्वायर पर। हाँ, ब्लैक अपने काम पर तैयार हो चुका है, कहाँ उसे अटैक बनाना है एकदम क्लियर। Bishop A3, बिशप एक्शन आस्किंग है, और बिशप एक्शन होने के बाद आप देखिए कि F2 पॉन थोड़ा वीक हो जाता है, किस तरह से बिशप टेक्स A3, रुक टेक्स A3, रुक H2, बिल्कुल इस तरह से। तो रुक F1 ही व्हाइट को करना पड़ा, देन रुक आया D6 स्क्वायर पर, किंग
किंग B3 रुक H6 रुक्स की फाइनली बैटरी तैयार हुई, और यहाँ वही टिक डेंट डालने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन टाइम लगेगा उसमें। किंग गया B4 स्क्वायर पर, किंग F6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से जिस तरह से वाइट ने ये गेम आगे बढ़ाई है तो सी पॉन का आगे पुश होना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि किंग को एक अच्छी पोजीशन देना और उसके बाद पॉन तक अपने अटैक को पहुंचाना किंग को लेकर के, वो एक अच्छा गेम प्लान हो सकता है। यही गेम प्लान वाइट का रहा, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले ए पॉन को आगे पुश किया। रुक आया H1 स्क्वायर पर, फोर्सफुली रुक एक्शंस कह सकता हूँ। Rxh1, Rxh1 देन किंग गया C5 स्क्वायर पर, और किंग के C5 स्क्वायर पर आने के बाद एग्जैक्टली बिशप है यहाँ, तो क्या होगा, ये नाइट का अटैक बनेगा, ये क्लियर है। लेकिन किंग E6 पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुरा, नाइट गया C6 स्क्वायर पर जिसकी उम्मीद थी, और A7 पॉन पर अटैक। तो क्या करें, बिशप टेक C6 के अलावा कोई इलाज भी नहीं, किंग टेक C6 ही करना पड़ा, और अब आ चुकी है रुक एंड गेम। पॉन्स की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 6 6 पॉन्स हैं यहाँ दोनों खिलाड़ियों के पास, तो गेम इस समय मटेरियल वाइज बिल्कुल इक्वल है, लेकिन एडवांटेज में कौन हो सकता है। देखिए व्हाइट का अपना एडवांटेज क्या है, किंग S स्क्वायर पर जा चुका है जो 7th रैंक के पॉन्स को निपटा सकता है, और पॉन्स कनेक्टेड बिल्कुल, वो एक ऐसे स्क्वायर्स पर हैं जो प्रेशर में रखेंगे यहाँ पर ब्लैक। तो रुक B1, चलिए यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक ने उसी बात का ध्यान रखा है। अब जरा ब्लैक के एडवांटेज की बात कर लेता हूँ, 3 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन्स, फ्रेंड्स ये एडवांटेज है, बिल्कुल है, कंसिडरेबल एडवांटेज है। तो अब व्हाइट यहाँ क्या करे, व्हाइट को डेफिनेटली थोड़ा यहाँ डिफेंसिव होकर रुक को A2 स्क्वायर पर लेकर आने के बारे में सोचना चाहिए था। अगर यहाँ से, क्योंकि F1 तो आगे फर्दर पुश होगा ही होगा, ब्लैक इसी एडवांटेज को तलाशने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट ने अपने रुक को लिया A4 स्क्वायर, और कार्लोस अब क्या करे, सिंपल F1 आगे पुश, उन्होंने अपनी बेसिक स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, Gxf4, Gxf4, और अब यहाँ ये 2 पॉन्स वर्सेस सिंगल पॉन, जिसको रोकने के लिए व्हाइट को रुक को तो वापस लाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फाइनली अब जाकर सी पॉन आगे पुश हुआ। ऑब्वियस Cxd4 का मतलब होगा Rxd4, और उसके बाद चलिए पॉन का डिफेंस तो देख लेंगे, किंग क्या क्या कर सकता है वो काफी हद तक क्लियर है। किंग अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो किंग जाएगा F5 स्क्वायर पर, देन रुक से चेक दे दो आप, और हाँ इस तरह से गेम खेली जा सकती है, लेकिन इक्वली मानी जाएगी, पर ब्लैक और व्हाइट दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस होंगे। यहाँ खेला गया Rb2, और अब का ये पॉन कैसे बचेगा, इस पॉन को बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये पॉन अगर गया तो ब्लैक को एडवांटेज मिल जाता है, ये वैसे तो 3 है लेकिन 2 कनेक्टेड पासर्स को बिल्कुल आप सेकेंड रैंक में ले जाकर खड़ा कर दोगे। खैर गेम पर चलते हैं, Cxd5 चेक के साथ चुना गया, किंग यहाँ से गया F6 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स ये वो पॉइंट है जहाँ मारियो और कार्लोस की कैलकुलेशंस प्रिसाइज होनी चाहिए। सिर्फ एक मूव अगर आपने मिसकाउंट किया, और यहाँ वही हुआ इस गेम के अंदर, अगर एक मूव की भी गलती की तो गेम आपके हाथ से निकल जाएगी। खैर किंग टेक C7 फाइनली खेला गया, देखिए किंग टेक C7 में ब्लैक के पास 2 ऑप्शंस है, अगर ब्लैक यहाँ रुक टेक्स B5 के लिए गया तो नो डाउट अबाउट इट ये गेम वाइट की। तो यहाँ सीधा सीधा रुक टेक्स F2 की ऑप्शन को चुना गया, उन्होंने भी अपने मूव्स को अपर हैंड की तरफ रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइट इस मूव को मिस कर गया होगा। मेरे ख्याल से यहाँ बी पॉन पुश आगे करने के बाद अगर हम देखें तो पॉन रुकेगा कैसे, आसानी से नहीं रुक पाएगा, रुक C2 चेक हो भी गया तो मैं तो किंग D7 या किंग को ऐसे, अच्छा फिर पॉन ले लिया जाएगा, ये भी है। खैर चलिए अपने अपने फायदे हैं इसमें भी। खैर यहाँ खेला गया D6, और सिर्फ अपने पॉन को 2 कदम की दूरी पर है वो क्वीन प्रमोट होने से, और डिफेंस क्या कर रहा है, वहां उसका D4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन। अब ब्लैक के पास क्या मूव है, मेरे ख्याल से किंग को मूव करना एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन पहले रुक से आई चेक, ऑब्वियस है किंग गया B7 स्क्वायर पर, जैसे मैंने कहा कि किंग को E6 स्क्वायर पर लेकर जाना बेटर ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ खेला गया E3, और यही वो क्रूशियल पॉइंट है जहाँ कैलकुलेशंस दोनों खिलाड़ियों की चल रही होंगी कि कौन पहले क्वीन प्रमोट करेगा। हाँ अगर ये पॉन एक कदम आगे पुश करते हैं तो ब्लैक मैनेज कर लेगा, किंग पहुंच जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा व्हाइट, लेकिन व्हाइट ने पहले अपने डी पॉन को आगे पुश किया, और मेरे ख्याल से ये वही मूव है एक्स्ट्रा
जो डिसएडवांटेज बना व्हाइट का, क्योंकि ब्लैक ने ऑब्वियस है ई पॉन को आगे पुश किया और अगले मूव में क्वीन प्रमोट होने की थ्रेट दी। क्या डायरेक्टली रुक को लिया? अरे रुक टेक्स है तो सही, मेरे ख्याल से नहीं। अगर मान लो डायरेक्टली अगर रुक को ई फोर स्क्वायर पर लाकर प्लेस किया गया तो यहाँ ये एफ पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा, फिर लेने के देने पड़ेंगे। तो यहाँ खेला गया रुक टेक्स एफ फोर चेक के साथ, किंग आया ई फाइव स्क्वायर पर और अब यहाँ आप रुक को कैसे, ओ सॉरी पॉन को किस तरह से रोकोगे? एक ही तरीका है, रुक को ले जाओ एट्थ रैंक में और पीछे से चेक भी जा करके। या फिर अगर अपनी क्वीन प्रमोट करने की बात की जाए तो क्या होता है, वो भी एक ऑप्शन है। देखे जरा, अगर यहाँ डी सेवन किया जाए तो कौन एडवांटेज में रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि डी सेवन कर देना चाहिए था, अब लग रहा है मुझे कि पहले मुझे भी नहीं लगा था। चलिए गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा, व्हाइट भी अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा। ब्लैक सोचने वाली बात है कि चेक किस तरह से देगा, चेक नहीं दे पाएगा यहाँ पर ब्लैक। किंग टेक्स एफ फोर ही करना पड़ेगा क्योंकि रुक तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। अब तीन पॉन्स व्हाइट के पास हैं, एक पॉन ब्लैक के पास है, रुक ब्लैक के पास है ऑब्वियस है। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज करने में व्हाइट कामयाब हो गया तो ये गेम व्हाइट की होगी। क्वीन एफ सिक्स चेक, किंग ई थ्री और फिर जाकर मान लेते हैं कि क्वीन एक्सचेंज कर ली गई तो किंग टेक्स ई वन होगा ही होगा और उसके बाद हुआ किंग टेक्स ए सेवन। और अब यहाँ तीन पॉन्स हैं, इन तीनों को रोकना क्वीन बनने के लिए मुझे लगता ही नहीं कि ब्लैक रुक पाएगा। क्लियरली गेम यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट की थी, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर मारियो ने रुक को एफ एट स्क्वायर पर प्लेस किया। इरादा वही, कीप इट सिंपल, यहाँ चेक देकर आप पॉन को उड़ा कर किंग टेक्स डी सिक्स लेंगे। जिस पॉन को आप क्वीन प्रमोट कर सकते थे वो आपके हाथ से जा चुका है। यहाँ मारियो की यही प्रॉब्लम रही और इसी चीज को कार्लोस ने एक्सप्लॉइट किया। रुक ई एट अब किया, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो गई चिड़िया हाथ से निकल गई। खैर रुक सी सेवन चेक, देखिए आप समझ में आ गया होगा इस रुक को पीछे लगाना कोई फायदे का सौदा तो रहा नहीं, आप पॉन को क्वीन बनने से रोक ही नहीं पाओगे। एक ही पॉन है, वही सेवंथ रैंक पे खड़ा हुआ और वो क्वीन बनने के रहेगा ही रहेगा। किंग हटाया गया, रुक ई सेवन, रुक टेक्स ई सेवन, किंग टेक्स ई सेवन, किंग टेक्स ए सेवन और अब प्रॉब्लम है। अगर रुक होता तो सिचुएशन दूसरी थी, लेकिन अब यहाँ ब्लैक की हो चुकी है क्वीन प्रमोट। ए सिक्स किया गया, किंग आया डी सिक्स स्क्वायर पर, ये कनेक्टेड भी नहीं ऊपर से। फिर बी सिक्स किया गया तो क्वीन ई थ्री। अब वैसे अगर गलती की ब्लैक ने, हमारे जैसे प्लेयर तो करने ही गलती है, पॉन दो ही कदम दूर है बस, लेकिन क्वीन का जलवा अपना अलग होता है। किंग आया बी सेवन स्क्वायर पर, पॉन थोड़ी देर के लिए पिन था, क्वीन से आई अब चेक, किंग आया बी एट स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से तो चेकमेट हर तरीके से है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता तो अच्छा है, कंटिन्यूस चेक से भी चेकमेट हो जाएगी। लेकिन बेटर है कि ब्लैक ने यानी कि कार्लोस ने अपने किंग को लिया सी फाइव स्क्वायर पर और अटैक कहाँ है, बी सिक्स पॉन पर। और एक बार बी सिक्स पॉन गया तो व्हाइट के पास कुछ बचेगा नहीं, बी सेवन उन्होंने किया तो सही। क्वीन डी एट चेक, अब देखिए ये बार बार यहाँ चेक आ सकती है। ठीक है, किंग आया ए सेवन स्क्वायर पर, क्वीन बी सिक्स चेक, किंग को बी एट स्क्वायर पर जाना पड़ा और अब मुझे नहीं लगता ए सेवन पॉन पुश आगे हो सकता, अदरवाइज चेकमेट होती है। इतनी देर में ब्लैक ने यानी कार्लोस ने अपने किंग की पोजीशन को किया इम्प्रूव और स्मार्टली उन्होंने यहाँ इस डी पॉन को छेड़ा नहीं है, लिया ही नहीं है, मौका नहीं देना बिल्कुल भी। अब क्या करें, अगर किंग यहाँ मूव होता है तो वैसे चेकमेट हो जाती है और अगर यहाँ पॉन आगे पुश होता है तो ऑब्वियस है ये चेकमेट है क्वीन से दोबारा। किंग चलो ए एट स्क्वायर पर ले लिया, लेकिन क्वीन टेक्स ए सिक्स चेक, किंग वापस बी एट स्क्वायर पर गया और फाइनल मूव था यहाँ पर कार्लोस सेंटोस का क्वीन ए फाइव, जिस मूव के चलने के बाद ऑब्वियस रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट पर अगले मूव में इसे कहेंगे हम चेकमेट की थ्रेट, और ऐसा नहीं है कि ब्लैक स्टेलमेट हो रहा हो, किंग के मूव करने के लिए बचा है एकमात्र स्क्वायर सी एट, वहीं कहीं ये जाएगा, उसके बाद फाइनल मूव होगा मतलब चेकमेट होगी क्वीन सी सेवन चेक और मेट के। फ्रेंड्स राहुल पंजी ने बहुत अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताई, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स सजेशन रिकमेंडेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।